सही बुखारी हदीस नंबर एक हजूर अक्रम वसल्लम का इर्शाद है तमाम आमाल का दारदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो बस उसकी हजरत उनही चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की सही बुखारी हदीस नंबर दो हजूर अक्रम सल वसम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफ़ियत मुझ पर बहुत शाख गुज़रती है जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग़ पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूं सही बुखारी हदीस नंबर तीन आ हजरत सल्लास पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकिजा ख्वाबों से शुरू हुआ आप खाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता फिर मिनजानब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हराम खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही जिक्र में मशगूल रहने लगे जब तक घर आने को दिल ना चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर गुजी हो जाते यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक के आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिराही में क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जब्रैल अम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आए मोहम्मद पढ़ो आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता आप सल् वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई फिर उसने कहा कि पढ़ मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानिया करने वाला है बस यही आयतें आप हजरत अलही सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकए से कांप रहा था आप हजरत खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो मुझे कंबल ओढ़ा दो लोगों ने आपको कंबल उढ़ा दिया जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ोज़ा मोहतरमा हजरत खदीजा रद अल्लाह तहा को तफसील के साथ ये वाक़ सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है आपकी एहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रद अल्लाह तह ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रस्वा नहीं करेगा आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं आप तो कुंबा परवर हैं बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं ऐसे औसाफे हंसना वाला इंसान यूं बेवक् ज़िल्त ख़ारी की मौत नहीं पा सकता फिर मज़ीद तसली के लिए हज़रत खदीजा रजाला तलाहा आपको वरका बन नौफिल के पास ले गई जो इनके चचाज़ाद भाई थे और जमान ज़ाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे चनाचा इंजील को भी हसब मनशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे इंजील सी ज़बान में नाजिल हुई थी फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ वर्ख़ा इसी को लिखते थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुख्सत हो चुकी थी हज़रत खदीजा रजल्ला तहा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि अय चचाज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्ला वसम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ चुनाचा आप सल्ला वसलम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मौजज़ राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा सलाम पर वही देकर भेजा था काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी रसूल करीम वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे हालांकि मैं तो इनमें सदको अमीनो मकबूल हूँ वर्का बोला हाँ ये सब कुछ सच है मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ़ रही सही बुखारी हदीस नंबर चार हज़ूर क्रम सल्ला वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हरा में आया था वो आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कम्बल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई ए लिहाफ़ ओढ़ कर लेटने वाले उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह इसके बाद वही तेज़ी के साथ पैदर पे आने लगी सही बुखारी हदीस नंबर व आलिहि वसल्लम नज़ूल क़ुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होटों को हिलाते थे इबन अब्बास रद अल्लाह तैालों ने कहा मैं अपने होंठों को हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इबन अब्बास रद्ल तहों को मैंने हिलाते देखा फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए इबन अब्बास रदल्ह तहों ने कहा फिर ये आयत उतरी क्या मोहम्मद कुरान को जल्द जल्द जल याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मे है हज़रत इबन अब्बास रजल्ला कहते हैं यानी क़ुरान आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत करो इब्ने अब्बास अन्हु फरमाते हैं इसका मतलब यह है आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी इसको महफूज कर सको चुनाचा इसके बाद जब आपके पास हजरत जब्रैल वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते जब वो चले जाते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत अलैहि सलाम ने इसे पढ़ा था, था सही बुखारी हदीस नंबर छः रसूल सल्ला वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जब्रैल सलाम आप से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद व करम फरमाते जब्रैल सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्ला वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ क़ुरान का दौरा करते गर्ज़ आ हज़रत सल्ह वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज्यादा जुदो करम फरमाया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर सात हर कल शाहरूम ने कुरेश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूल वसल्लम ने कुरैश और अबू अबूसफीन से एक वक्ती अहद किया हुआ था जब अबू अबूसफी और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा, उमरा बैठे हुए थे हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं यह सुनकर हर कल ने हुम दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो फिर अपने तर्जुबान से कहा के इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्ला वसम के हालात पूछता हूँ अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएँगे तो मैं आप सल्ला वसम की नस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता खैर पहली बात जो हर कल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी मैंने कहा नहीं कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है मैंने कहा नहीं फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने मैंने कहा नहीं कमज़ोरों ने फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है मैंने कहा नहीं कहने लगा क्या अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है मैंने कहा नहीं और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर मुद्दत ठहरी हुई है मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तु में शामिल ना कर सका हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है हमने कहा कि हाँ बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने सच बोलने परहेजगारी और रहमी का हुक्म देता है ये सब सुनकर फिर हर कल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमसे आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं मैंने तुमसे पूछा कि दावा इनबुवत की यह बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है तो तुमने कहा कि नहीं तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरो गोई का इल्ज़ाम लगाया है तुमने कहा कि नहीं तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरो गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरो होते हैं या कमज़ोर आदमी तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत की है तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हती कि वो कामिल हो जाता है और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है तुमने कहा नहीं तो ईमान की खासियत भी यही है जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं तुमने कहा नहीं पैगंबरों का यही हाल होता है वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अन करीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा, तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाउंड होता हर कल ने लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने वहीिया कल भी रजल्लु त के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है अल्लाह के बंदे और उसके पैगम्बर मोहम्मद अलैहि वसल्लम की तरफ़ से ये ख़त है शाह रोम के लिए उस शख़्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दिनों दुनिया में सलामती नसीब होगी अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा और अगर आप मेरी दावत से रूगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा और अहल किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए फिर अगर वो अहले किताब इस किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो हम एक खुदा के तहत गुजार हैं अबू सुफियान कहते हैं जब हर कल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर गोगा हुआ बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कपशा के बेटे आ हज़रत अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया देखो तो इससे बनी असफ़र रोम का बादशाह भी डरता है मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे हत्ता के अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया रावी का बयान है कि इबन नातूर एलिया का हाकिम हर कल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हर कल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं क्या वजह है इब्न नातूर का बयान है कि हर कल नजूम था इलम नजूम में वो पूरी महारत रखता था उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि ख़तना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई ख़तना नहीं करता सो इनकी वजह से परेशान ना हों सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था उसने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए जब हर कल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो ख़तना किए हुए हैं या नहीं उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो ख़तना किया हुआ है हर कल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो ख़तना करते हैं तब हर कल ने कहा कि यही मोहम्मद अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हर कल की तरह माहिर था फिर वहाँ से हर कल हम्स चला गया अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त उसके जवाब में आ गया उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हर कल के मुआफिक थी कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं उसके बाद हर कल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाज़े बंद कर लिए गए फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा रोम वालो क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेद कर लो और मुसलमान हो जाओ ये सुनना था कि फिर लोग वह गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर इन्हें बंद पाया आखिर जब हर कल ने इस बात से इनकी ये नफ़रत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ जब वो दोबारा आए तो उसने कहा मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी सो वो मैंने देख ली तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए बिलाखिर हर कल की आखिरी हालत ये ही रही सही बुखारी हदीस नंबर आठ रसूल्ला वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर कायम की गई है अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज क़ायम करना और ज़क़़त अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना सही बुखारी हदीस नंबर नौ नबी करीम अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की साठ से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है सही बुखारी हदीस नंबर दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू